आरसी एकेडमी देहरादून की ओर से उत्तराखंड पुलिस एसआई पटवारी फॉरेस्ट गार्ड बंदी रक्षक और ग्रुप सी इत्यादि के लिए शुरू करते हैं ये प्रैक्टिस सेट 10। और इससे पहले जिन छात्र छात्राओं ने 9 प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप वो 9 प्रैक्टिस सेट भी देख लेना। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो आप लोग ध्यान देना, एक है हरियाणवी और एक है बांगरू बोली, है ना। हरियाणवी को ही बांगरू बोली बोलते हैं, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हरियाणवी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो बांगरू बोली के नाम से जाना जाता है। तो हिंदी के अंतर्गत जो है, हिंदी की जो उपभाषाएँ होती है वो 5 उपभाषाएँ होती है। जैसे एक आपका पश्चिमी हिंदी है, एक पूर्वी हिंदी आता है, एक बिहारी हिंदी है, एक पहाड़ी हिंदी, और इसके अलावा एक राजस्थानी हिंदी भी आता है ना। तो हिंदी की कितनी उपबोलियाँ हैं? तो 5 है। इन उपबोलियों में से जो बांगरू बोली है, इन उपभाषाओं में से जो बांगरू बोली है वो किस उपभाषा में आती है? तो पश्चिमी हिंदी में। तो इसको ध्यान रखना कि बांगरू या हरियाणवी किस हिंदी के अंतर्गत आती है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो इसका ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भाषा की सार्थक लघुतम इकाई किसे माना जाता है? देखिए यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग इसका आंसर वर्ण लगा देते हैं, तो वर्ण इसका गलत आंसर हो गया। क्योंकि भाषा की सबसे छोटी लघुतम इकाई बोलेगा तब तो आपका वर्ण सही है, परंतु यहाँ पर उसने सार्थक शब्द का यूज किया है। सार्थक का मतलब होता है कि सही क्रम में लगाना, और भाषा की सबसे छोटी इकाई जो वर्ण होती है उसमें सार्थक शब्द का यूज नहीं किया जाता है। आप लोग ध्यान देना, अगर भाषा की सार्थक बोल देगा, सार्थक भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछेगा, तो हमेशा इसका आंसर क्या होगा? शब्द होगा। तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इनमें संज्ञा का भेद नहीं है, तो आप लोग ध्यान देना, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो निजवाचक जो है संज्ञा का भेद नहीं है, तो इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वचन किसका बोध कराते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि जो वचन होते हैं वो 2 होते हैं, है ना, एक वचन और बहुवचन, है ना। संस्कृत में वैसे 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, परंतु हिंदी में वचन 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो जो वचन होता है वो किसी वस्तु का या फिर किसी प्राणी के एक या एक से अधिक होने का बोध कराते हैं। तो किसी प्राणी या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध कराता है वचन, तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इसमें किस कारक का बोध है? तो देखिए, अभी आप अगर ने की बात करोगे तो ने हमेशा किस कारक में आता है? कर्ता कारक में आता है। परंतु अगर आप आसान भाषा में समझोगे, जब कोई व्यक्ति काम करता है और काम करने का असर खुद पर ही होता है, जैसे शिक्षक ने पाठ पढ़ाया तो एनर्जी शिक्षक की खर्च होगी, तो वहाँ पर कर्ता कारक होगा, है ना। अगर कोई व्यक्ति काम करे और काम करने का असर किसी दूसरे वस्तु पर या प्राणी पर होता है, तो वहाँ पर कर्म कारक होता है हमेशा। जैसे राम ने रावण को मारा, तो काम राम ने किया, असर रावण पर पड़ा, है ना। अगर कोई व्यक्ति काम करता और काम करने के लिए साधन हो, जैसे राम ने तीर से रावण को मारा, तो तीर साधन है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। अगर कोई अलग होने का भाव हो, जैसे मतलब पेड़ से पत्ता गिरा या पेड़ से फल गिरा या छत से बंदर कूदा, तो अलग होने का भाव है, तो वहां पे अपादान कारक होता है। परंतु यहां पे क्या है कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो इसमें क्या कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। तो बी आंसर इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वाह आप आ गए, वाह शब्द है, तो आप लोग देखना, जैसे अगर संज्ञा की बात करें तो संज्ञा हमेशा किसी का नाम हो सकता है, किसी जाति या वस्तु का नाम हो सकता है, जैसे राम हो गया, रमेश हो गया, है ना, या फिर पशु हो गए, या फिर व्यक्ति हो गया। तो ये क्या होते हैं? आपके संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं। जैसे किसी के नाम के जगह यूज किया जाता है कि वह जा रहा है, वे जा रहे हैं, वह, वे, उन्हें, ये सर्वनाम होते हैं। विशेषण होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। जैसे क्या होता है कि एक विशेषता कैसे बताई जाती है, जैसे वह सुंदर है ना, सुंदर चित्र, तो सुंदर विशेषता होगी, तो ये विशेषण हो जाएगा, है ना। परंतु वाह क्या है? एक अव्यय है। क्या है ये? अव्यय है, या फिर आप अभिकारी भी बोल सकते हैं इसको। तो ये एक अव्यय शब्द है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, है ना, लिंग वचन या कारक के आधार पर। तो ये एक सिंपल सा अव्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव तक पहुंचने के मध्य
मैं संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे संस्कृत से हिंदी आई है तो कैसे आई है, तो सबसे पहले क्या थी? संस्कृत थी, है ना। संस्कृत के बाद क्या आई है? पाली आई है। पाली के बाद क्या आई है? प्राकृत आई है, है ना। प्राकृत के बाद क्या आई है? अपभ्रंश, है ना। अपभ्रंश के बाद क्या आई है? अवहट आई है, और अवहट के बाद लास्ट में हिंदी आई है। तो ये संस्कृत सबसे पहले है और सबसे लास्ट में क्या है? हिंदी। तो इनके बीच में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट है, ये मतलब संस्कृत और हिंदी के बीच की कड़ियाँ हैं। तो इन मध्य में बोल रहा हूँ, तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं अर्ध तत्सम। जब ये पूरा के पूरा जो है तद्भव में नहीं आया था तो उसके बीच में क्या कहते हैं? इसको अर्ध तत्सम कहते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखियो, घोटक भी अश्व का पर्यायवाची है, घोड़ा भी अश्व का पर्यायवाची है भी अश्व का पर्यायवाची है, परंतु अगर तरंग की बात करें तो तरंग जो है किसका पर्यायवाची है? लहर का। याद रखना, इसी को पूछा जा सकता है कि लहर किसका पर्यायवाची, लहर का पर्यायवाची क्या है, या तरंग किसका पर्यायवाची है? तो तरंग इसका आंसर होगा, क्योंकि तरंग जो अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तरंग किसका है? लहर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है? अतुल का मतलब होता है कि जिससे किसी की तुलना नहीं की जा सकती, अतुल्य भी बोल सकते हो आप इसको, है ना। तो अनोखा अतुल का समानार्थी शब्द है, अनुपम भी अतुल का समानार्थी शब्द है, अपूर्व भी अतुल का समानार्थी शब्द है, परंतु अगर आप अनल की बात करोगे, अनल का मतलब होता है हवा या फिर वायु। ध्यान रखना, हवा या वायु जो है अनल का पर्यायवाची शब्द है। तो जो अनल है, अनल जो है अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है, तो सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो मूर्ख बनना तो नहीं हो सकता, है ना। मूर्ख तो किसी को भी बनाया जा सकता है। अपमानजनक बात करना, जो जिसको अक्ल अच्छी खासी होगी वो भी अपमानजनक बात कर सकता है, परंतु अगर किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो उसको कहते हैं अक्ल पर पत्थर पड़ना, मतलब जो है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, है ना। तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो देखो भाई, उपसर्ग का प्रयोग जो है किसी भी शब्द के पूर्व में होता है। कहाँ होता है? शब्द के पूर्व में, यानी कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं। तो आप लोग देखना कि उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, या इनमें से कोई नहीं। देखो, तो आदि का मतलब होता है पहले, और अंत होता है मतलब लास्ट में, अंतिम, है ना। तो आदि का मतलब पहले, तो शब्द के पहले यानी कि शब्द के पूर्व में ही उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो शब्द के आदि में इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से कौन सा संधि का गुण है? संधि में समास होता है? नहीं, संधि में समास नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। संधि का अर्थ होता है अलगाव, संधि का अर्थ अलगाव नहीं होता, संधि का मतलब जुड़ना होता है। संधि दो पदों का योग होता है, दो पदों का योग हमेशा ध्यान रखना, दो पदों का योग होता है समास, है ना। दो पदों का योग क्या होता है? समास। तो संधि क्या होता है, संधि का गुण क्या होता है? संधि का गुण होता है जहाँ पर दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है, है ना। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है, वहाँ संधि होती है। तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, तो डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मेरे को बाजार जाना है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो अशुद्धि किस प्रकार की है? तो आप लोग देखना, जहाँ पे ये लिखा हुआ है मेरे को बाजार जाना है, यहाँ पे होना चाहिए था मुझे बाजार जाना है, है ना। तो मुझे बाजार जाना है, तो मुझे क्या होता है भाई? मुझे संज्ञा है या लिंग है या वचन है या सर्वनाम है। तो मुझे जो है किसी के नाम के जगह यूज किया जाता है, अपने नाम के लिए यूज किया जा रहा है ना। तो मुझे क्या है? एक सर्वनाम है। तो यहाँ पे सर्वनाम से संबंधित जो है यहाँ पे गलती है ना, अशुद्धि है। तो सर्वनाम इसका आंसर होगा, तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। वाक्य 1 और 6 के मध्य य र ल व वाक्यों को क्रम से लगाइए। तो देखो, एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो एक कहानी टाइप की देता है। तो इसमें जो पहला है वो भी अपनी जगह पर रहता है और छठा भी अपनी जगह पर रहता है, बीच के ऊपर नीचे होता है, तो इनको बिठाने होता है और फिर ऑप्शन में दिखाना पड़ता है कि कौन सा क्रम सही है। जैसा अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा है? भारतीय गाँवों के। तो भारतीय गाँवों के अगर मैं इसको लिखूँ इसके बाद फर्स्ट नंबर पर, तो भारतीय गाँवों के सुधार के लिए,
भारतीय गांवों के सुधार के लिए अभी भारत सरकार, इसको अगर मैं सेकंड पे लिखूं तो अभी भारत सरकार और राज्य सरकार, और इसको थर्ड पे लिखूं और राज्य सरकार बहुत प्रयत्न, इसको फोर्थ पे लिखूं बहुत प्रयत्न करना होगा, तो ये आपका जो इस तरीके से बन जाएगा, है ना। तो य र ल व, है ना। तो सबसे पहले आपको जो है र को लगाना पड़ेगा, तो भारतीय गाँवों के सुधार के लिए, है ना। फिर आप यो लगाओगे तो यो में आ जाएगा आपका अभी भारत सरकार और राज्य सरकारों को, है ना, बहुत प्रयत्न करना होगा, है ना। तो आपका इस तरीके से बी आंसर बिल्कुल मैच हो रहा है, तो बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कूलन में, केली में, कछारन में, ये कछारन होगा है, ये क्या होगा यहाँ पर, कछारन, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे एक वर्ण की आवृत्ति होती है, जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति देखना आप लोग, यहाँ पे कूलन में क आया है, केली में क आया है, कछारन में क आया है, कुंजन में क आया है, क्यारी में, क्यारिन में क आया है, तो क क क क वर्ण की आवृत्ति हो रही, तो एक ही वर्ण जो है बार बार आ रहा है, तो ये समझ लेना कि वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है। तो आप लोग ध्यान देना कि गारसी द तासी जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक थे। ये जो है गारसी द तासी जो है फ्रांसीसी थे, और इन्होंने जो है फ्रेंच भाषा में, है ना, याद रखना जो हिंदी का साहित्य लिखा गया था वो सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया था, ऐसा क्वेश्चन कई बार आ जाता है एग्जाम में, तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। किसने लिखा था, गारसी द तारसी तासी ने लिखा था, और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये फ्रांस के रहने वाले थे, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो आप लोग देखो, तुलसीदास जो रचना है, है ना, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है, कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, और तुलसीदास एक रचना है, है ना, ये तुलसीदास रचना जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है ना। थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा हो गया, ये रामचरितमानस यहाँ होना चाहिए था, तुलसीदास यहाँ, है ना। तो आप लोग ध्यान देना, तुलसीदास नामक रचना किसने लिखी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके हिसाब से ये सभी जो है सही है, क्योंकि गलत इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसका ये लगा सकते हो आप लोग, है ना। तो आप लोग ध्यान देना, तुलसीदास रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, और कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, और रामचरितमानस किसकी है, तुलसीदास की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 1973 में आलोक पर्व रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था, मतलब पुरस्कार दिया गया था, रचना किसकी है। तो आलोक पर्व रचना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, और आप लोग ध्यान देना कि पूछा जा सकता है हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973 में मिला था, तो आलोक पर्व, या कई बार क्वेश्चन पूछता है आलोक पर्व रचना किसकी है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है कि यहाँ पर रिक्त स्थान पर से इनमें से क्या आएगा। इस वर्ष हिंदी साहित्य की प्रगति कुछ अवरुद्ध रही है, रिक्त स्थान के लिए प्रयुक्त शब्द यहाँ पर प्रगति आएगा, है ना। तो बी आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि हिंदी साहित्य की उन्नति नहीं बोल सकते, हिंदी साहित्य की वृद्धि नहीं बोल सकते, हिंदी साहित्य का विकास नहीं बोल सकते, विकास भी अवरुद्ध नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, हिंदी साहित्य की प्रगति कुछ अवरुद्ध रही, तो बी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ गया है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, या हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो भारोपीय परिवार की भाषा है। तो आप लोग ध्यान देना, इसका डी आंसर सही है कि हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21। इनमें से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो पहले तो आप संगम साहित्य के बारे में थोड़ा सा ध्यान लो, संगम साहित्य जो है ये, इसकी रचना जो है पांड्य शासकों ने की है। किसने की है, ये पांड्य शासकों ने संगम साहित्य की रचना की है, और जो ये पांड्य साहित्य ने संगम साहित्य की रचना की है ये किस भाषा में की है, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि तमिल भाषा में इसकी रचना की है, और इसकी रचना 500 ईसा पूर्व से और 200 ईसा पूर्व तक हुई है, 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक जो है इसकी रचना की गई है, और किस भाषा में की है, तमिल भाषा में की है, और किसने की है, पांड्य शासकों ने की है, और इसमें जो है लगभग 400
इसमें जो है 473 कवियों ने भाग लिया था, और जो रचनाएं हैं इसकी वो कितनी रचनाएं हुई है पंडित इसमें क्या कहते हैं संगम साहित्य में, तो 2381 रचनाएं हुई है, 2381 रचनाएं हुई है, 473 जो है कवि थे इसमें जिन्होंने इसका इसकी रचना की है, तमिल भाषा में इसकी रचना की गई है, और 500 से 200 ईसा पूर्व में इसकी रचना हुई है, और किसने की है पांड्य वंश ने की है। और आप लोग ध्यान रखना कि ये जो संगम साहित्य इसमें तीन वंशों का जो है या तीन राजवंशों का उल्लेख मिलता है, वो तीन राजवंश कौन से हैं, चेर राजवंश है, चोल राजवंश और पांड्य राजवंश, तो इन चार तीन राजवंशों की इसमें क्या है उल्लेख मिलता है, तो कदंब वंश का जो इसमें जिक्र नहीं है, तो यही पूछ रहा था वो कि किसका इसमें साहित्य में जो है जिक्र नहीं है या उल्लेख नहीं है, तो कदंब का नहीं है, तो ये इसका सही आंसर होगा, है ना। तो इसके सारी चीज़ें ध्यान रखना, आप लोग कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। इनमें से कौन सा एक कार्य लोकसभा अध्यक्ष का है, तो लोकसभा अध्यक्ष का कौन सा कार्य, देखो लोकसभा का विघटन बोले तो लोकसभा का विघटन मतलब लोकसभा को समाप्त कर देना, तो ये काम है आपका राष्ट्रपति का, है ना, ये काम किसका है राष्ट्रपति का है। लोकसभा का स्थगन करना मतलब लोकसभा को कुछ समय के लिए जो है रोक लगा देना, तो ये काम किसका है लोकसभा के अध्यक्ष का है। और लोकसभा का सत्र अवसान करना मतलब लोकसभा का जो बिल्कुल लोकसभा ये तो विघटन करना तो भंग हो गया एक हिसाब से, और सत्र अवसान करना मतलब कि जो पूरा ही सत्र है वो समाप्त कर देना, है ना, ये भी इसकी घोषणा भी कौन करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर सही होगा, जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसका काम क्या होता है लोकसभा को स्थगन करना, है ना, लोकसभा को स्थगित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है, तो आप लोग देखना 249 किसके अधिकारों से संबंधित है, थोड़ी सी बात समझ लेना आप लोग कि जैसे एक संघ सूची होती है तो संघ सूची के विषय में केंद्र सरकार या संघ राज्य संघ जो है कानून बनाती है या संसद कानून बनाती है, एक जो है राज्य सूची होती है राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, और एक केंद्र एक होती है आपकी समवर्ती सूची उसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो जो राज्य सूची होती है राज्य सूची के विषय में केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, यानी कि राज्य विधानमंडल ही कानून बना सकता है, परंतु अगर संसद में जो राज्यसभा है राज्यसभा 2/3 बहुमत से अगर ये पारित कर दे कि किसी की राज्य सूची में क्या है कानून बनाना हो और राज्यसभा जो है उसको 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो उसमें संसद फिर कानून बना सकती है, तो ये राज्यसभा के ये बात जो है अनुच्छेद 249 में लिखी गई है, तो ये राज्यसभा के अधिकारों से संबंधित है 249, है ना, सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 24। इनमें से किन देशों में न्यायिक समीक्षा व्यवस्था प्रणाली है, तो न्यायिक समीक्षा व्यवस्था प्रणाली जो है भारत में है परंतु केवल भारत में नहीं है, केवल ब्रिटेन में नहीं है, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है, तो ध्यान रखना भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में है, तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। निम्न में से कौन सा एक सरकार का अंग नहीं है, तो व्यवस्थापिका सरकार का अंग है, कार्यपालिका सरकार का अंग है, न्यायपालिका भी सरकार का अंग है, जबकि निर्वाचन आयोग सरकार का अंग नहीं होता है, तो इसका डी आंसर सही होगा क्योंकि ये सरकार का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन ने नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है, तो आप लोग ध्यान देना जो ये भारतीय संविधान में नगरीय स्थानीय निकाय है इसको त्रिस्तरीय देखा गया, मतलब तीन भागों में जो है इसको रखा गया है, है ना, जैसा आपका नगर निगम है और नगर पालिका परिषद है और नगर पालिकाएँ हैं, है ना, तो इसको जो है भारतीय संविधान के भाग 9 के ए में रखा गया है, किस में रखा गया है भाग 9 के ए में, किसको, नगर पालिकाओं को। इसके अलावा इसमें जो अनुच्छेद है वो 243 का पी से और 243 के जेड जी तक रखा गया है, और इसमें जो है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, कौन सी अनुसूची, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और इसमें टोटल जो विषय थे वो 18 विषय थे, है ना, 12वीं अनुसूची जोड़कर 18 विषय थे, और इसमें जो है कौन सा संवैधानिक संशोधन के तहत ये सारे के सारे काम हुए, तो आप लोग ध्यान देना ये 74वां संवैधानिक संशोधन था, है ना, तो इसको आप लोग ध्यान देना, तो इसका आंसर होगा सी, सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान
निम्न में से किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का मतलब है कि जब कोई काम पेंडिंग में पड़ जाते हैं या फिर न्यायाधीश कम पड़ जाते हैं तो अचानक में जो रिटायर्ड न्यायाधीश हैं उनके लाए जाते हैं, तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। और जो ये तदर्थ न्यायाधीश होते हैं इनकी चर्चा जो है, इस जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो ये चर्चा है ये अनुच्छेद 127 में की गई है, तो ये भी एग्जाम में बन सकता है, तो आर्टिकल 127 भी आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संघ या इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो देखो भाई, एक तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे इन्होंने आनंद मोहन बोस, आपने नाम सुना होगा आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस के साथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में भारतीय संघ की स्थापना की थी या भारतीय संघ का गठन किया था। तो ये भारत संघ था, इसका गठन काहे के लिए किया गया था और कहाँ किया गया था, तो ये तो ध्यान रखना आप लोग कि कहाँ इसका गठन किया गया था, तो कोलकाता में इसका गठन किया गया था। कहाँ पे? कोलकाता में। और कोलकाता में जब इसका गठन हुआ था तो काहे ये जो है सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग के लिए किया गया था, है ना। तो इसके बाद जो है, और इसमें जो है इल्बर्ट बिल का भी विवाद किया गया था, और जो जमींदार थे जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्गों को प्रधानता दी गई थी, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी या फिर आनंद मोहन बोस भी दे सकता ऑप्शन में, है ना। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ होम ने की थी। किसने की थी? ए ओ होम ने की थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ होम ने की थी। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो डब्ल्यू सी बनर्जी बने थे, है ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो इसके पहले अध्यक्ष थे। और स्थापना किसने की थी? ए ओ होम ने 1885 में इसकी स्थापना की थी। तो आप लोग ध्यान देना, इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, है ना, क्योंकि स्थापना पूछ रहा, पहले अध्यक्ष पूछता तो डब्ल्यू सी बनर्जी, परंतु स्थापना पूछ रहा तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ए ओ होम ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अपाची जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो ये अपाची जनजाति जो है आप लोगों ने अमेरिका में और कनाडा में प्रेरी घास के मैदान सुना होगा, है ना, प्रेरी जो घास के मैदान है, पूछ लेता है प्रेरी घास के मैदान कहाँ हैं पाए जाते हैं, तो अमेरिका और अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो जो अमेरिका और कनाडा में जो प्रेरी घास के मैदान है, है ना, इन मैदानों में पाई जाने वाली जो आदिम जनजाति है वो आदिम जनजाति ही अपाची है ना। तो इसमें कनाडा तो दे नहीं रखा, तो इसमें आंसर होगा अमेरिका। इसके अलावा इस प्रेरी घास के मैदान में जो पाई जाती है जिसको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो अपाची तो है ही इम्पोर्टेंट, इसके अलावा एक जनजाति आती है इसमें क्रो, है ना, और एक आती है इसके अलावा क्री, और एक इसके अलावा जो है पौनी जनजाति आती है, है ना। तो चार जनजातियाँ आपको याद रखनी है, अपाची, क्रो, क्री और पौनी, ये कहाँ पर पाई जाती है? अमेरिका में और कनाडा में जो प्रेरी घास के मैदान है वहाँ पाई जाने वाली है आदिम जनजाति, मतलब पिछड़ी जनजातियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। एल नीनो की उत्पत्ति किस स्थान से होती है? देखो भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है एल नीनो। देखो मैं एल नीनो के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना, ये एल नीनो है क्या? ये एल नीनो एक गर्म जलधारा है जिसका स्थायी तौर पर पेरू की जो ठंडी जलधारा है उसके स्थान पर होता है ना, जो पेरू के जो तट पर जो ठंडी जलधारा चलती है ना उसके स्थान पर अचानक में जो है एल नीनो की उत्पत्ति हो जाती है, जिसका अभी वैज्ञानिकों को भी पता नहीं है कि क्यों होती है ये, है ना। और एल नीनो की जब उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है तो उससे क्या होता है, मानसून बहुत ही प्रभावित होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पेरू के तट पर चलने वाली ठंडी जलधारा जो है ला नीनो होती है ना, इसको क्या कहते हैं, ला नीनो कहते हैं, और उसके स्थान पर चलने वाली जो गर्म जलधारा जो अचानक में चलती है उसको कहते हैं एल नीनो। तो एल नीनो गर्म जलधारा है, और ला नीनो ये भी ध्यान रखना, ला नीनो कहाँ से उत्पन्न होती है, तो ला नीनो भी यहीं से उत्पन्न होती है। ला नीनो क्या है, ठंडी जलधारा है, और एल नीनो क्या है, गर्म जलधारा, पूछ लेता कभी कभी, तो पेरू के तट से उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। भारत का कौन सा राज्य कहवा, कहवा जानते हो ना, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉफ़ी कहते हैं पीने वाली,
कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो कर्नाटक है। याद रखना, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कहवा का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं इनके भी एक एक बताऊँ तो यहाँ से क्या क्या बन सकता है, जैसे मध्य प्रदेश में सोयाबीन, मध्य प्रदेश में जो है सोयाबीन जो है सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो है, आंध्र प्रदेश मसालों के मामले में, आंध्र प्रदेश और केरल भी है मसालों के मामले में, परंतु केरल में सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो रबड़ के लिए जो है ज़्यादा पूछा जा सकता है ना केरल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। भारत में भुगतान संतुलन में निरंतर घाटा निम्न कारण से है, तो किस कारण से संतुलन में निरंतर घाटा होता है? आयात में निरंतर वृद्धि, अगर हम भारत से जो है किसी चीज़ को लगातार मंगाते रहेंगे तो भी घाटा होगा। निर्यात में धीमी वृद्धि, अगर हम विदेशों में कुछ चीज़ों को नहीं भेजेंगे या निर्यात कम करेंगे तो भी घाटा ही होगा। और विनिमय दर की अस्थिरता या चंचलता, विनिमय दर अगर क्या कहते हैं कम ज़्यादा नहीं करे होगी तो वो भी क्या कहते हैं अस्थिरता आ जाएगी, तो भी मतलब क्या हो जाएगा, आपको घाटा हो जाएगा। तो उपयुक्त तो सभी कारण है घाटे का, है ना, तो डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रोलेट एक्ट का विरोध क्यों किया था, इसका लक्ष्य क्या था, है ना। तो आप लोग पहले तो ये देखना कि रोलेट एक्ट जो है पारित कब हुआ था, तो 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। और ये जो रोलेट एक्ट था इसमें जो है इंसान की कोई भी मतलब अपील नहीं सुनी जाती थी और ना ही कोई वकील करने का जो है कोई अधिकार था। तो ये मतलब इसको कहते हैं कि यह रोलेट एक्ट जो था ये बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का क्या था, कानून था। इसलिए जो है वैयक्तिक मतलब वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना था, तो इसीलिए जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया था, इसका विरोध। तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो आप लोग ध्यान देना कि जो रक्षा विभाग था ये भी पूछा जाता है, तो रक्षा विभाग जो है बलदेव सिंह के पास था। रक्षा विभाग किसके पास था? बलदेव सिंह के पास। विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध ये किसके पास था, ये कई बार एग्जाम में आ गया, तो ये किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू के पास था। किसके पास था ये? जवाहरलाल नेहरू के पास। और खाद्य तथा कृषि विभाग किसके पास था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। तो सी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36। 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, लियाकत अली खां को कौन सा विभाग दिया गया? देखो भाई, जो ये मुस्लिम लीग है ये अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होने चाहते थे, तो जो लॉर्ड वेवेल थे उन्होंने, कौन? लॉर्ड वेवेल। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन हो जाए कि किसके कहने पर, है ना, लॉर्ड वेवेल के, लॉर्ड वेवेल के कहने पर जो है मुस्लिम लीग बड़े मुश्किल से जो है अंतरिम सरकार में शामिल हुए। और उसके बाद जो है जो लियाकत अली खान थे उनके पास जो है वित्त विभाग दिया गया था, है ना, तो वित्त मंत्रालय उनके पास था। तो बी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37। भारत में सहायक संधि स्वीकार करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? तो आप लोग ध्यान देना, भारत में जो सहायक संधि थी उसको स्वीकार करने वाली प्रथम रियासत कौन थी? हैदराबाद रियासत थी। तो भारत में जो सहायक संधि है वो 1798 से 1798 से और 1805 तक जो है लॉर्ड वेलेजली ने जो है चलाई थी, लॉर्ड वेलेजली, है ना। तो ये सहायक संधि जो है स्वीकार करने वाला भारत की पहली जो रियासत थी वो हैदराबाद रियासत थी। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो ज्वारीय बंदरगाह इनमें से कांडला बंदरगाह है, और आपको पता होगा कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में है। तो इस कांडला बंदरगाह से एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो ये कांडला बंदरगाह है इसका नाम अब बदल दिया गया है, और इसका नाम है पंडित दीनदयाल, है ना, क्या है? पंडित दीनदयाल बंदरगाह। तो ये भी आप लोग ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। काशीपुर में बाला सुंदरी मंदिर में कौन सा मेला लगता है? तो काशीपुर में जो बाला सुंदरी मंदिर है वहाँ पे चैती मेला लगता है, है ना। और जो ये चैती मेला, ये जो बाला सुंदरी मंदिर है ये जो 52 माँ के 52 शक्ति पीठ होते हैं उनमें से एक है। और आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे एक ख़ास बात और है, ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि बाला सुंदरी मंदिर है जो काशीपुर का, उसका जीर्णोद्वार किसने करवाया था? तो ये ध्यान रखना, इसका जीर्णोद्वार किसने करवाया था? औरंगजेब ने कराया था। अब आप कहोगे कि जो औरंगजेब है इन्होंने तो भारत के जो मंदिर थे
उनको क्या किया था, उजाड़ा था। तो भारत के कई मंदिर जो गिराए थे इन्होंने औरंगजेब ने, परंतु क्या हुआ था कि इनकी एक बहन थी जहाँ आरा, उसको बहुत प्रेम करते थे, तो वो जो है यहाँ पे इस मंदिर पे जो है मन्नत मांगने आए थे, तो वो मन्नत उनकी पूरी हुई थी, जिस कारण से जो है इन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्वार कराया था। किस मंदिर का? बाला सुंदरी मंदिर का। तो ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। भारत में सेज का निर्धारण किस देश के अनुभव पर लागू किया गया है? तो आप लोग ध्यान देना, ये चीन के अनुभव पर लागू किया गया है। जो ये सेज है, भारत में सेज की नीति जो है लागू जो हुई थी, ये 2005 में हुई थी, है ना। ये क्या है कि इस नीतियों को जो है इसके आधार पर क्या तात्पर्य है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र से होता है, जहाँ भौगोलिक क्षेत्र का विकास है ना, भौगोलिक क्षेत्र का विकास किया जाता है और निर्यात आयात में क्या है यहाँ से बढ़ावा मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? देखो भाई, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक क्या होते हैं? जो अनुसूचित बैंक होते हैं, है ना, अनुसूचित बैंक बोलते हैं या सरकारी बैंक बोल सकते हो आप लोग, जैसा SBI हो गया, PNB हो गया, IDBI हो गया, तो इनके जो अध्यक्ष होते हैं, इनके अध्यक्षों का चयन कौन करता है? तो ध्यान देना, इनके अध्यक्षों का चयन कभी कभी शॉर्ट में लिख देगा BBB, है ना, इसका अर्थ होता है बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, है ना, यहाँ पे बैंक बोर्ड ब्यूरो आ रखा, बैंक नहीं होगा, क्या होगा, बैंक्स, है ना, क्या होगा, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, तो ए आंसर इसका सही होगा। इनके अध्यक्षों का जो सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक होते हैं, इनके अध्यक्षों की जो चयन होता है वो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42। देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो देश का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में, है ना, नई दिल्ली में 2 जुलाई 2020 को स्थापित किया गया है, और ये अरविंद केजरीवाल ने किया था ताकि COVID-19 से संक्रमित जो रोगी हैं उनका उपचार किया जा सके, है ना। तो देश का पहला प्लाज्मा बैंक जो है कहाँ हो गया? दिल्ली में हो गया, और कब खुला है? 2020 में। किसने खोला है? अरविंद केजरीवाल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43। सही युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सा युग्म सही है? अगर हम बात करें दीवान ए बंदगान, तो जो ये दीवान ए बंदगान है, ये फिरोज शाह तुगलक ने ही बनाया था, है ना, और फिरोज शाह तुगलक ने किसके लिए बनाया था? ये दासों की देखरेख के लिए, है ना, ये किसके लिए बनाया था? दासों की देखरेख के लिए बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा, दीवान ए बंदगान। अगर आप बात करोगे दीवान ए मुस्तक राज, है ना, दीवान ए मुस्तक राज, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था भाई, दीवान ए मुस्तक राज अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, और ये जो दीवान ए मुस्तक राज है ये किससे संबंधित था? ये था आपका राजस्व से संबंधित था, राजस्व या फिर जो लूटपाट होती है ना, लूटपाट को रोकने के लिए जो है दीवान ए मुस्तक राज बनाया गया था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगर आप बात करोगे दीवान ए कोही की, तो दीवान ए कोही जो है मोहम्मद तुगलक ने बनाया था, और जो ये दीवान ए कोही था ये कृषकों की सहायता के लिए बनाया गया था। किसके लिए? कृषकों की सहायता के लिए बनाया गया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें दीवान ए अर्ज, तो दीवान ए अर्ज जो है बलबन ने बनाया था, और ये दीवान ए अर्ज जो है सैनिक विभाग हुआ करता था। कौन सा विभाग था? ये एक सैनिक विभाग हुआ करता था। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि दीवान ए अर्ज किससे संबंधित था, तो ये सैनिक विभाग था, और किसने बनाया था? बलबन ने। अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है। दीवान ए कोही जो है किससे संबंधित था? तो कृषकों से संबंधित था, और ये जो है किसने बनाया था? तो मोहम्मद तुगलक ने बनाया था। दीवान ए मुस्तक राज किसने बनाया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, और किससे संबंधित था? तो ये किससे संबंधित था दीवान ए मुस्तक राज? तो ये जो है राजस्व और लूटपाट से संबंधित था, कि लूटपाट बंद हो जाए, है ना। और आपका जो है दीवान ए बंदगान किससे संबंधित था? तो दासों की देखरेख के लिए था, और किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक में। तो सही युग्म जो है इसमें ए है, तो ए बिल्कुल सही युग्म है। बाकी सब जो है आपको जो है इस तरीके से मिलान करके मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ है? तो जो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ है ये राणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था, है ना, राणा कुंभा, है ना। तो जो ये राणा कुंभा थे, इन्होंने चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो है मोहम्मद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया था, है ना। तो ये भी आप लोग ध्यान देना, किसके उपलक्ष्य में? मोहम्मद खिलजी के विजय के उपलक्ष्य में। तो किसने बनाया था? राणा कुंभा ने, कीर्ति का विजय स्तंभ। तो अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 45।
औरंगज़ेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था, देखो भाई जो औरंगज़ेब थे ये एक सुन्नी मुस्लिम थे, है ना, और जो ये जिहाद था ये एक क्या था भाई आपका औरंगज़ेब द्वारा चलाया गया एक धर्म युद्ध था। कैसा युद्ध था? धर्म युद्ध था, जिसे दारुल ए इस्लामी कहा जाता था। तो इसका बी आंसर सही होगा, दारुल ए इस्लामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46। किस पर्वत में पंचमणि हिल स्टेशन स्थित है? तो ये जो है सतपुड़ा पर है भाई, है ना, तो सतपुड़ा पर है। और आपको पता होगा कि जो सतपुड़ा है, है ना, सतपुड़ा जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, है ना, याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है, तो एकमात्र हिल स्टेशन मध्य प्रदेश का कौन सा है, पंचमणि हिल स्टेशन है। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयले के भंडार हैं? तो भाई ध्यान रखना, भारत में सबसे ज़्यादा जो कोयले के भंडार हैं वो झारखंड में है, परंतु अगर उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कोयले का उत्पादन होता है भारत में वो होता है छत्तीसगढ़ से, है ना। उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है और दूसरे स्थान पर कौन है, झारखंड है ना। उत्पादन के मामले में झारखंड सेकंड नंबर पर है, परंतु भंडार की बात करेंगे तो कोयले के सबसे ज़्यादा भंडार जो है झारखंड में ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48। इनमें से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? तो अरुणाचल को तिब्बत से जो है बोमडिला दर्रा जोड़ता है। बोमडिला दर्रा जो है आपका जो भूटान राज्य, भूटान देश है, भूटान के पूर्व में है और अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नामांकन कौन करता है? जो ये लोक लेखा समिति है इसको जो है, पहली बात आप लोग ध्यान देना, क्वेश्चन आता है प्राकलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है ना, लोक लेखा समिति को प्राकलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और जो लोक लेखा समिति है इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा कौन होता है, कौन होता है, विपक्ष का नेता होता है। तो जो विपक्ष का नेता होता है वो हमेशा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, है ना, इन 22 सदस्यों में से 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य जो इसमें राज्यसभा के होते हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आया था कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 22 लोक लेखा समिति में, लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो 15 उत्तराखंड पीसीएस के पेपर में आया था इस बार क्वेश्चन। लोक लेखा समिति के जो राज्यसभा होते हैं, राज्यसभा में लोक लेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा से तो 7 सदस्य होते हैं, है ना। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष का नामांकन कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। तो आप लोग ध्यान देना, इसका सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। मौसमी संबंधी वायुमंडल की किस पर घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है? जो मौसम से संबंधित घटनाएं होती है वायुमंडल की किस परत में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। आप लोग ध्यान देना, जैसे वायुमंडल की सबसे, ये जो क्षोभ मंडल है इसके लिए क्वेश्चन आता है वायुमंडल की सबसे निचली परत, है ना, तो सबसे निचली परत भी कौन सी है, क्षोभ मंडल ही है। और इसी मंडल में बादल, आंधी, वर्षा इत्यादि सभी घटनाएं होती है। तो मौसमी संबंधी घटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में होती है। और क्षोभ मंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग ध्यान देना, संवहन मंडल। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संवहन, कौन से मंडल को संवहन मंडल के नाम से जाना जाता है? तो क्षोभ मंडल को ही संवहन मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। एस का पति जे है, देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको डायग्राम बना के कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो एस का पति जे है, तो एस का पति हो गया जे, तो ये हो गया पति, पति के लिए हमने जेंट्स के लिए प्लस कर दिया और लेडी के लिए माइनस कर दिया। तो एस का पति कौन है? जे है। जे की पुत्री एम, तो जे की पुत्री कौन हो गई? एम हो गई। तो जे की पुत्री एम, तो पुत्री के लिए माइनस कर दिया और नीचे वाला रिश्ता हो गया, तो नीचे लिख दिया जे की पुत्री। एम का पुत्र आर, तो जे की पुत्री एम का पुत्र कौन है? आर है। तो जे की पुत्री एम का पुत्र कौन है? आर है। तो आर के चाचा के, तो आर के चाचा के हैं, तो आर के चाचा के कौन होगा? जो एम के पति का कौन होगा? भाई होगा। एम के पति का भाई होगा, वही आर का क्या होगा? चाचा होगा। आर के चाचा के का एकमात्र भाई टी है, इसका भाई टी है, तो टी मतलब कौन होगा? ये होगा, ये कौन होगा? टी होगा, जो एम का पति होगा या आर का पिता होगा, है ना। तो एस का टी क्या लगता है? तो जो एस है, एस का टी क्या लगता है?
तो एस की पत्नी, एस की बेटी है ये, और ये एस के बेटी का कौन होगा, पति हो गया, तो क्या हो गया, ये दामाद हो गया। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। यदि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो भाई आप लोग ध्यान देना कि अगर यहाँ पे वो खड़ा है तो पूर्व दिशा ये होती है ना, दाएं तरफ को, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो पहले वह अपने दाएं 180 डिग्री के कोण पर घूमता है। तो भाई दायां देखो, अगर इधर को उसका मुंह है तो उसका दायां इधर को हो जाएगा, तो 180 डिग्री के कोण पर घूमेगा तो इधर को घूम गया हो, तो अब कहाँ पर हो गया, ये इधर को हो गया है ना, 180 डिग्री घूम गया हो। इसके पश्चात अपने बाएं 90 डिग्री के कोण पर घूमता है, अगर इसका मुंह इधर को है तो इसका बाया इधर को हो जाएगा, तो 90 डिग्री घूमेगा, अगर यहाँ से तो 90 डिग्री इतना घूमेगा, तो अपने बाएं 90 डिग्री के कोण पर घूमता, तो अब वो इधर को आ गया है ना, 90 डिग्री के कोण पर घूमता है, और अंत में अपने दाएं 45 डिग्री के कोण पर घूमता है। तो अगर इसका मुंह नीचे को है तो इसका दायां कहाँ हो जाएगा, इधर को हो जाएगा, तो 45 डिग्री, ये देखो ये 90 डिग्री है तो 45 डिग्री हो गया, तो 45 डिग्री के घूमता है, तो यहाँ पर घूम गया हो। अब इसका मुंह जो है इस दिशा की ओर है, इसका मुंह इस दिशा की ओर है, तो अब उसकी पीठ किस दिशा की ओर होगी, तो पीठ उसकी इस दिशा की ओर होगी है ना, तो ये वाली दिशा कौन सी होती है, देखो आप देखो, ये अगर हम बनाएं तो ये पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा होती है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, तो उसका इसकी पीठ जो है इस दिशा की ओर है, तो उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व, तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54। यदि लाल को नीला कहा जाए, नीले को सफेद कहा जाए, सफेद को भूरा कहा जाए, भूरे को नारंगी कहा जाए और नारंगी को लाल कहा जाए, तो ट्रैफिक सिग्नल में ट्रैफिक रोकने वाला सिग्नल का रंग कौन सा होगा, तो ट्रैफिक सिग्नल में जो ट्रैफिक को रोकने का जो रंग होता है वो कौन सा होता है भाई, लाल होता है, और लाल को क्या बोल रहा है यहाँ पे, लाल को कह रहा है वो नीला, तो लाल को नीला कह रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रैफिक सिग्नल को रोकने वाला रंग कौन सा होगा, नीला रंग होगा, तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस हो, तो निम्न समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है और फिर माइनस है, और यहाँ पर कह रहा है कि माइनस का अर्थ क्या है, भाग है, तो माइनस का अर्थ भाग है, तो माइनस की जगह हम भाग कर देंगे और फिर 5 आ गया। फिर प्लस दे रहा है और प्लस का अर्थ क्या बोल रहा, प्लस का अर्थ बोल रहा माइनस है, तो प्लस की जगह हो गया आपका माइनस, और इसके बाद 12 लिखा हुआ है और फिर लिख रहा है माइनस, और माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस का अर्थ बोल रहा है भागा, तो माइनस का अर्थ भागा, माइनस की जगह भाग कर दिया और फिर 3, फिर गुणा है, मल्टीप्लाई है, और गुणा का अर्थ बोल रहा है प्लस, तो गुणा का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पे प्लस 6, और फिर भागा लिखा हुआ है और भाग का अर्थ बोल रहा है, भाग का अर्थ है गुणा, तो भाग का अर्थ गुणा है, तो भाग की जगह हो गया आपका गुणा, ये इस तरीके से करोगे और 3। अब सॉल्व करोगे तो सबसे पहले भाग वाले को सॉल्व किया जाता है, तो भाग एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो 5 का भाग 45 में दोगे तो 5 नम 45 9 आ जाएगा, फिर माइनस है 3 का भाग 12 में दोगे तो 3 चौक 12 4 आ जाएगा, और फिर प्लस करके 6 है और गुणा, भाग के बाद गुणा किया तो 6 3 18, ये आपका 18 हो गया है ना, तो 18 में से आप 4 को माइनस कर दो, चाहे 9 में से 4 को माइनस कर दो, तो 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, और 5 में आप 18 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 23, तो 23 इसका सही आंसर होगा बी है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, और 1923 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। एक तो APJ अब्दुल कलाम आज़ाद थे जो भारत के राष्ट्रपति थे, वो दूसरे हैं, वो अलग हैं, ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1923 में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57। बहावी आंदोलन के नायक थे, तो बहावी आंदोलन के नायक सैयद अहमद थे, जो सैयद अहमद है ये मुस्लिम धर्म को पुनर्स्थापित करना चाहते थे, और ये बहावी आंदोलन काफ़ी लंबा चला था, तो मुस्लिम धर्म से संबंधित है, और इसके नायक कौन थे, सैयद अहमद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58। हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष
का पदभार किसने ग्रहण किया है या कार्यभार किसने ग्रहण किया है, तो आप लोगों को पता होगा कि नीति आयोग जो योजना आयोग के स्थान पर जो है लाया गया है, और जो नीति आयोग है इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर उपाध्यक्ष के लिए बहुत बार एग्जाम में आ गया है और पूछते रहेगा। तो ये अभी जो है इसके जो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाला है वो किसने संभाला है, सुमन बेरी ने संभाला है। तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59। गूगल ने डिजिटल अर्थशास्त्र का लाभ युवाओं और महिलाओं तक पहुंचाने के लिए किस राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो याद रखना तेलंगाना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो देखो भाई भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, इसके साथ आप लोग जो तीन चार चीज़ें और ध्यान रखना। क्वेश्चन आएगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, अगर क्वेश्चन आता कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर 1857 में बने थे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर थे। अब पूछेगा गवर्नर जनरल, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से वारेन हेस्टिंग्स बने थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, पद का नाम चेंज कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल की जगह क्या कर दिया, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, जो यहाँ पे भी पूछ रहा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन आएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, है ना। इसी क्वेश्चन को पूछ लेगा कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, और वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग, है ना। तो 1858 में लॉर्ड कैनिंग जो भारत के प्रथम वायसराय बने, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कब बने थे, तो 1833 में, है ना। इसको आप लोग ध्यान रखना, इसका आंसर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61। उत्तराखंड में शिल्पी ग्राम योजना का संबंध किससे है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति, है ना। तो ये आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना की शुरुआत की गई, देखो भाई ये यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। देखो सबसे पहली बात ही कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना की शुरुआत कब हुई, तो 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी, परंतु ये जो है शुरुआत किसके लिए की गई थी, तो SC ST और OBC, है ना, OBC और ग्रामीण बालिकाओं को शिक्षा से संबंधित, है ना, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई थी। परंतु इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोग याद रखना, ये डेट सहित याद रखना, 1 अप्रैल 2007 को क्या किया गया कि जो ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना है इसका जो है विलय किया गया है किसके साथ, आप लोग ध्यान देना, सर्व शिक्षा अभियान। तो ध्यान देना, क्वेश्चन आएगा कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का विलय सर्व शिक्षा अभियान में कब किया गया या अभियान के साथ कब किया गया, तो 1 अप्रैल 2007 को, या 1 अप्रैल 2007 को कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना की का जो विलय है वो किसके साथ किया गया, तो सर्व शिक्षा अभियान के साथ किया गया है। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63। निम्न में से गलत युग्म का चयन कीजिए, जननी सुरक्षा योजना 2005 ये सही है, वंदे मातरम योजना 2004 ये सही है, वंदे मातरम योजना 2004 में लागू की थी, किशोरी शक्ति योजना 2000 ये भी सही है, परंतु राष्ट्रीय पोषाहार योजना 2006 लिखा है, ये 2006 नहीं है, ये 15 अगस्त 2001 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 64। निम्न में से गलत युग्म का चयन कीजिए, सबला योजना 2010 ये सही है, मोनाल योजना 2011 में हुई थी ये सही है, डोली सेवा 2012 ये भी सही है, इंदिरा गांधी मातृत्व योजना जो है इसकी शुरुआत अक्टूबर 2010 में हुई थी, तो यही गलत है, तो इसका डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65। समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक या समान पारिश्रमिक अधिनियम कब लागू हुआ, है ना, समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 1976 में, तो ध्यान रखना, है ना, समान कार्य के लिए समान वेतन समझो। अगला क्वेश्चन देखो 66। उत्तराखंड में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपातकालीन सेवा की शुरुआत कब की गई,
तो 15 मई 2008 को जो है उत्तराखंड में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपातकालीन सेवा की शुरुआत की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 2008 आप याद रखना, तो ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन लिखता है 67, राज्य सरकार यानी कि उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष कब घोषित किया गया, तो महिला सशक्तिकरण 2006-07 को घोषित किया गया था उत्तराखंड सरकार द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो महिलाओं को जो है बढ़ावा देने के लिए या महिलाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो या महिलाओं का जो क्या कहते हैं रोजगार है वो ज़्यादा उसको बढ़ावा मिले, तो राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष कब घोषित किया गया, 2006-07 को, है ना, तो इसका आंसर बी वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68, भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने के लिए 2008-09 में किस योजना को शुरू किया गया था, तो ध्यान रखना आप लोग, देखना भूतपूर्व सैनिक मतलब जो रिटायर्ड सैनिक है उनको उत्तराखंड में रोजगार देने के लिए जो है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया था, तो इको टास्क फोर्स योजना, या फिर क्वेश्चन आएगा इको टास्क फोर्स योजना किससे संबंधित है, तो भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने से संबंधित, या फिर भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने से संबंधित इको टास्क योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 2008-09 में। ये तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69, राज्य सरकार ने युवा नीति कब घोषित की, भाई आप लोग ध्यान देना कि राज्य सरकार ने युवा नीति तो 5 सितंबर 2011 को घोषित की थी, परंतु इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो ये युवा नीति राज्य सरकार ने घोषित की है इस युवा नीति के तहत जो है युवाओं को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, तो आप लोग ध्यान देना कि कितने श्रेणियों में, तो दो श्रेणियों में घोषित किया गया, तो इसकी दो श्रेणियाँ बनाई गई है, और वो दो श्रेणियाँ कौन सी थी ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो एक श्रेणी बनाई गई है 6 से 14 वर्ष के लोगों की मतलब युवाओं की, और दूसरी श्रेणी बनाई गई है 14 से 35 वर्ष के युवाओं की, है ना, तो आप लोग जो है ये वर्ष पूछा जा सकता है कि इसमें जो है पहली श्रेणी कितने से कितने वर्ष के बच्चों की है जो युवा नीति के तहत है, तो 6 से 14, और दूसरी श्रेणी कितने से कितने वर्ष की है, तो 14 से 35, तो यहाँ पर ऑप्शन दे देगा 14 से 35, 18 से 35, है ना, या फिर 14 से 30, ऐसे ऑप्शन बना देगा, या यहाँ पर बना देगा 6 से 14, या फिर 5 से 14, या 6 से 12, ऐसे ऑप्शन बना देगा, तो आप लोग याद रखना इनमें युवा नीति के तहत दो श्रेणियाँ हैं 6 से 14 और 14 से 35। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, राज्य में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ, तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, है ना, भारत के आज़ाद होते ही जो है ये अधिनियम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है पारित हो गया था, क्योंकि अंग्रेजों के समय में बहुत अत्याचार हुए थे मजदूरों के साथ, इसीलिए जो है इसको उसी समय लागू कर दिया था 1948 में, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71, गलत युग्म का चयन कीजिए, अटल खाद्यान्न योजना 11 फरवरी 2011 ये सही है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना 2002 में हुई थी ये भी सही है, जायका योजना 2014 में हुई थी ये भी सही है, निर्मल भारत अभियान ये 2018 जो है गलत लिख रहा है यहाँ पे, ये जो है 15 अगस्त को हुई थी 2002 में, और ये निर्मल भारत योजना जो है ये क्या थी, या निर्मल भारत जो अभियान था इसमें जो है जैसे खुले में लोग शौच करते हैं तो इसको बंद करना था, तो इसको जो है ये खुले में जो है शौच नहीं कर सकते, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, राज्य में यानी कि उत्तराखंड में राट विकास अभिकरण की स्थापना किस जनपद में की गई है, तो राट विकास अभिकरण की स्थापना जो है पौड़ी गढ़वाल में की है धन सिंह रावत ने, जो शिक्षा मंत्री है धन सिंह रावत, और ये किससे संबंधित है, तो रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, है ना, किससे, रोजगार, है ना, रोजगार और स्वरोजगार, स्वरोजगार को बढ़ावा देने से संबंधित है, है ना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राट विकास अभिकरण की स्थापना जो है किसके लिए की गई है, तो रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, और किसने की है, तो धन सिंह रावत ने की है, और कहाँ पे, किस जिले में, तो पौड़ी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73, पंचायतों एवं वन पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायत मतलब जो पंचायत के चुनाव होते हैं त्रिस्तरीय पंचायत, जैसे प्रधान के चुनाव हुए, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तो इसमें जो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है उत्तराखंड में, तो सी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74, राज्य में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना कब लागू हुई, तो जो अटल आयुष्मान उत्तराखंड, जो उत्तराखंड अटल आयुष्मान योजना है, ये ध्यान रखना, ये पूरे ही देश में 25 दिसंबर, है ना, 25 दिसंबर 2018 को लागू हो गई थी, पूरे देश का मतलब है उत्तराखंड में भी, परंतु इसमें जो है 25 लाख तक का क्या है भाई,
है ना, याद रखना। इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि सॉरी 25 लाख नहीं, 5 लाख है ना, 5 लाख तक का क्या है स्वास्थ्य बीमा कवरेज है। पर इस योजना में जो है यहाँ पे 2018 ऑप्शन में नहीं है, तो कभी कभी 2019 दे देता है। तो क्योंकि दिसंबर 2018 है, तो उसके बाद जो है दिसंबर 2018 के बाद 2019 में जो है इसका लाभ मिलना शुरू हो गया था, इसलिए 2019 दे देता है कभी कभी, है ना। तो इसके हिसाब से इसका आंसर 2019 है। और अगर 2019 नहीं होगा ऑप्शन में, 2018 होगा, तो 2018 मान जाएगा। एग्जैक्ट जो है 25 दिसंबर 2018 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 गलत युग्म का चयन करें। राज्य शिक्षा पुरस्कार योजना, ये 2009 में हुई थी। किसान रत्न सम्मान योजना, ये 2010 में है। अटल आवास योजना, ये 2009 में, ये भी सही है। सबला योजना, ये 2009 में नहीं है, ये किस में हुई थी, 2010 में हुई थी इसकी शुरुआत। तो ये वाला सही है, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 गलत युग्म का चयन करें। मुख्यमंत्री रोजगार स्वरोजगार योजना 2020 में इसकी स्टार्टिंग हुई है, ये सही है। आंचल अमृत योजना, ये भी 2020 में हुई है, ये भी सही है। आरोही योजना, ये 2003 में नहीं हुई थी। जो आरोही योजना है इसकी शुरुआत 2002 में हो गई थी, है ना, तो ये गलत है इसमें से। अटल आदर्श ग्राम योजना, ये 2009 में, ये भी सही है। तो गलत कौन सा वाला है इसमें से, सी वाला है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, है ना। देखो क्या है, माता पिता द्वारा त्यागे गए बच्चों को राज्य सरकार ने गोद लेने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो वो योजना है पालन योजना। तो जो ये पालन योजना है इसकी शुरुआत पूछी जा सकती है। तो इसकी शुरुआत भी 15 अगस्त को हुई थी, 15 अगस्त 2015 को, और किसने की थी, तो हरीश रावत ने, है ना। तो जो हरीश रावत उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने इस योजना की क्या की थी, शुरुआत की थी। तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मण की नियुक्ति किसने की थी। देखो चौथानी ब्राह्मण की नियुक्ति जो है कुमाऊं में सोमचंद ने की थी, परंतु इसमें देखना आप लोग चौथानी ब्राह्मण क्या है। ये चौथानी ब्राह्मण चार ब्राह्मणों का समूह है। किसका, चार ब्राह्मणों का क्या है, समूह है। तो जो चार ब्राह्मणों का समूह है, इसमें चार ब्राह्मण कौन कौन से हैं। एक है जोशी, है ना, कौन से थे इसमें, जोशी थे, जो किसका काम किया करते थे, दीवान का, जिनको दीवान का पद दिया जाता था। दूसरे होते थे इसमें सेमल्टी, क्या होते थे, सेमल्टी। और जो सेमल्टी होते थे उनके, वो किस टाइप के होते थे, तो वो राजगुरु बनते थे, है ना। सेमल्टी के अलावा तीसरे होते थे इसमें देवरिया, है ना, जो देवरिया होते थे, देवरिया होते थे पुजारी, है ना, देवरिया क्या होते थे, पुजारी। और चौथे होते थे इनमें मंडलिया, है ना, जो मंडलिया होते थे वो पंडा होते थे। तो ये जो है चार ब्राह्मण थे, चार ब्राह्मणों का समूह था, जोशी, सेमल्टी, देवरिया और मंडलिया। तो इसकी, इसका जो नियुक्ति है किसने की थी, सोमचंद ने की थी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79 चंद वंश में किस राजा की सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त, किस राजा का सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त होता है। तो चंद वंश में जो अभय चंद है, इनका सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त होता है। जैसे आपका चौकीनी बोरा अभिलेख है चमोली में, और मालेश्वर जैन अभिलेख है। तो ये दोनों के दोनों ही जो है, चौकी बोरा अभिलेख और मालेश्वरी जैन अभिलेख, है ना, ये किससे संबंधित है, ये अभय चंद से। तो अभय चंद का कोई अपना अभिलेख, मतलब केवल चंद वंश का पहला ऐसा शासक है जिसकी जानकारी जो है अभिलेख से प्राप्त होती है ना। तो ये अभय चंद है ना, तो इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रवंश का प्रथम स्वतंत्र शासक, जो चंद्रवंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था, तो आप लोग ध्यान देना, भारती चंद जो है चंद्रवंश के प्रथम स्वतंत्र शासक थे। स्वतंत्र शासक का मतलब है कि इन्होंने जो है, ये इनका जो शासनकाल था ये 1437 से 1477 तक था, और इन्होंने नेपाल के शासकों की स्वतंत्रता, अधीनता स्वीकार नहीं की, और स्वयं की सेना बनाना ज़्यादा उचित समझा, और स्वयं की सेना बनाई, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। चंद वंश के किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो गरुड़ ज्ञानचंद है, गरुड़ ज्ञानचंद ने जो है सबसे लंबे समय तक क्या किया है, शासन किया है। इनका जो शासनकाल था वो 1365 से, यानी कि 1365 से और 1420 तक बताया जाता है। इसका मतलब इन्होंने जो है 55 वर्ष तक जो है क्या किया है, शासन किया है। तो ये सबसे लंबा शासन है चंद वंश का।
तो गरुड़ ज्ञानचंद, याद रखना आप लोग, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले चंद्रवंश के शासक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82। बालेश्वर मंदिर का निर्माण चंपावत में किस शासक ने करवाया था? तो याद रखना बालेश्वर मंदिर कहाँ पे है, चंपावत में है, और इसका निर्माण जो है उद्यान चंद ने करवाया था, है ना। एक उद्योत चंद है और एक उद्यान चंद है, तो ध्यान रखना उद्यान चंद ने करवाया था इसका निर्माण। अगला क्वेश्चन देखते हैं 83। चंद वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त करवाया था? तो याद रखना आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो इसका आंसर है रत्नचंद, है ना। तो जो रत्नचंद है इन्होंने जो है क्या कहते हैं सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त करवाया था चंद शासकों में। अगला क्वेश्चन देखना 84। मुगलों के साथ संबंध स्थापित करने वाला चंद वंश का प्रथम शासक था? तो चंद वंश का जो मुगलों के साथ संबंध स्थापित करने वाला प्रथम शासक था वो था रुद्रचंद। जो रुद्रचंद है याद रखना ये जो है किसके समकालीन था, अकबर के। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अकबर के समकालीन कौन था, तो रुद्रचंद था। और जो ये रुद्रचंद है इनका शासनकाल था 1568 से और 1597। पहले तो इन्होंने स्वतंत्र शासक के रूप में जो है सत्ता संभाली थी, परंतु बाद में जो है ये 1588 में अकबर से मिले थे, कहाँ पे, लाहौर में, लाहौर में मिले थे अकबर से। और 1587-88 में ही इन्होंने क्या की थी, मुगलों की अधीनता जो 87 में ही स्वीकार की ली थी, और 88 में ही अकबर से मिले थे, कहाँ पे, लाहौर में 1588 में। और तब इन्होंने जो है क्या किया था, अकबर को तिब्बती याक या कस्तूरी और हिरणों की क्या है खालें भेंट की थी। और तब अकबरनामा में भी बल्कि इसका जिक्र है कि अकबर को जो है किस शासक ने, तो रुद्रचंद ने जो है अकबर को तिब्बती याक और कस्तूरी और हिरणों की खालें भेंट की थी, है ना। तो ये अकबरनामा में जो है इसका जिक्र है, और इसी कारण जो है अकबर ने इन्हें जमींदार कहा था। क्या कहा था, जमींदार, और 84 माल परगाना जमीन भी दी थी। तो याद रखना अकबर ने किस शासक को जमींदार कहा था, है ना, जमींदार की उपाधि दी थी, आप लोग ध्यान देना, जमींदार। तो जमींदार की उपाधि जो अकबर को किसने दी थी, सॉरी अकबर ने किसको दी थी, तो रुद्रचंद को दी थी। और क्या कहते हैं, रुद्रचंद को जमींदार की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर ने दी थी, है ना, याद रखना 1588 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86। चंद वंश का 50वें स्थान का या 50वें नंबर का शासक था? वैसे इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, परंतु कुछ जो फेमस होते हैं उनके बारे में कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे चंद वंश का जो है बाज बहादुर चंद है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था, तो इसीलिए इसके बारे में पूछा जा सकता है कि बाज बहादुर कौन से नंबर का शासक था, तो 50वें नंबर का शासक था। ये कुर्मांचल का पहला ऐसा राजा था जिसने तराई क्षेत्र को क्या किया था, आबाद किया था, है ना। और इनका शासनकाल जो 1638 से और 78 तक जो है था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। अल्मोड़ा में दसे छज्जा और रंग महल का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था? तो कभी कभी तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि दसे छज्जा और रंग महल कहाँ स्थित है, तो अल्मोड़ा में है, और निर्माण किसने किया था, तो उद्योत चंद ने करवाया था। तो उद्योत चंद ने जो है इसका निर्माण करवाया था, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। किस चंद शासक ने कुमाऊँ में जुआ खेलने पर रोक लगा दी थी, है ना। तो इसको जुआ की बांच कर भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना कि जो ये जगत चंद थे, इन्होंने जो जुआ खेलने पर जो है कुमाऊँ में रोक लगा दी थी। ये बहुत ही कुशल शासक थे और काफ़ी जनता के बारे में या लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, इसीलिए कई विद्वानों ने इन्हें जो है इनके शासनकाल को कुमाऊँ का स्वर्ण काल भी कहा है। क्या कहा है, कुमाऊँ का स्वर्ण काल, है ना, कुमाऊँ का स्वर्ण काल। किसके शासन काल को कहा है कई विद्वानों ने, तो जगत चंद के काल को कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89। तीलू रौतेली के बचपन का नाम क्या था? तो जो तीलू रौतेली, उनके बचपन का नाम था तिलोत्तमा, है ना, कहीं पे तिलोत्तमा होगा लिखा हो, कहीं ये जो है तिलोत्तमा ऐसे होगा, आधा तो अम्मा, तिलोत्तमा, है ना, तिलोत्तमा था। ये 15 वर्ष के उम्र से ही युद्ध लड़ना, भाई बहुत बड़ी वीरांगना थी, 15 वर्ष से युद्ध लड़ने शुरू कर दिए थे। अब 15 वर्ष की उम्र से और 22 वर्ष की उम्र तक जो है 7 साल में इन्होंने 7 युद्ध जीते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कौन थे ये, तीलू रौतेली, है ना, तो ये झांसी की रानी की तरह वीरांगना थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 90। कल्याण चंदोदय की रचना किसने की थी? तो कल्याण चंदोदय की रचना जो है कवि शिव ने की थी, तो इसका आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91।
पीली गांव का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो आप लोग ध्यान देना भाई, ये पीली गांव के युद्ध के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, क्योंकि यहाँ पे इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन हो सकता है। वैसे यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से तो प्रद्युम्न शाह और मोहन चंद आंसर होगा इसका, परंतु अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊँ तो ये क्या हुआ था कि प्रद्युम्न चंद एक ऐसे शासक थे जिन्होंने कुमाऊँ और गढ़वाल दोनों में शासन किया था, है ना। प्रद्युम्न शाह जो प्रद्युम्न शाह थे, है ना, ये जो है टिहरी रियासत के ऐसे अकेले शासक थे जिन्होंने कुमाऊँ और गढ़वाल दोनों में शासन किया था। और ये जो है 1786 से पहले क्या है, कुमाऊँ के शासक हुआ करते थे। 1786 में ये कुमाऊँ को छोड़कर गढ़वाल आ गए थे और इन्होंने जो है वहाँ की सत्ता से जो है सत्ता पर किसको बिठा दिया था, मतलब शासन तो खैर इन्हीं के नाम से हो रहा था पर सत्ता पर कौन बैठ गए थे, हर्षदेव जोशी, है ना, जिसे कुमाऊँ का चाणक्य भी बोलते हैं। किसे, हर्षदेव जोशी। और जब बाद में जो है आ गए थे वहाँ से, तो 1786 में हुआ था पीली गांव का युद्ध, और 1786 में जो पीली गांव का युद्ध हुआ था वो हर्षदेव जोशी और मोहन चंद के बीच हुआ था। किसके बीच, हर्षदेव जोशी और मोहन चंद के बीच, परंतु जो सत्ता थी वो प्रद्युम्न शाह के नाम से चल रही थी, इसलिए प्रद्युम्न शाह नाम दे देते हैं कभी कभी। तो पीली गांव का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो अगर हर्षदेव जोशी और मोहन चंद नाम होगा तो वो बिल्कुल सही आंसर है, तो हर्षदेव जोशी दे देगा, हर्षदेव जोशी और मोहन चंद, या फिर प्रद्युम्न शाह और मोहन चंद, दोनों ही सही है। तो 1786 में हुआ था, अगर दोनों ऑप्शन में हुए तो हर्षदेव जोशी और मोहन चंद इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 92। चंद वंश का अंतिम शासक था, तो चंद वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, महेंद्र चंद था। तो 1790 में जब गोरखों ने अल्मोड़ा पर यानी कि कुमाऊँ पर आक्रमण कर दिया था, तो उस दौरान क्या हुआ था कि यहाँ पे जो जब 1790 में कुमाऊँ पर आक्रमण किया था, तो महेंद्र चंद कुमाऊँ के शासक थे, और उसी दौरान जो है ये जो अगर आक्रमण था, अगर हम बताएं युद्ध, तो ये कौन सा युद्ध था, हवाला बाग का युद्ध था। कहाँ का युद्ध, हवाला बाग का युद्ध था, और इस युद्ध के दौरान जो है महेंद्र चंद की हार हुई थी और कुमाऊँ में किसका शासन हो गया था, गोरखों का शासन हो गया था। तो यही चंदवंश का अंतिम शासक था, तो बी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, कुमाऊँ में बैजनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार किसने करवाया था। तो जो कुमाऊँ में बैजनाथ मंदिर है, ये बहुत ही फेमस मंदिर है, ये गरुड़ तहसील में पड़ता है, बागेश्वर में, है ना, बागेश्वर में पड़ता है गरुड़ तहसील में, और इसका जीर्णोद्वार किसने करवाया था, ज्ञानचंद सेकंड ने करवाया था। तो आप ध्यान रखना कि कहाँ पे पड़ता है ये, तो बागेश्वर में पड़ता है, और बागेश्वर के किस तहसील में पड़ता है, तो गरुड़ तहसील में पड़ता है, ये भी आप लोग ध्यान देना ना, गरुड़ तहसील में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 95। कुमाऊँ के किस राजा ने पानीपत के तीसरे युद्ध में अपनी सेना भेजी थी। तो आपको पता होगा पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था ना, और पानीपत के युद्ध में जो है जो ये कुमाऊँ के राजा थे दीपचंद, है ना, इन्होंने अपनी सेना भेजी थी, और इन्होंने जो है मराठों के विरुद्ध अपनी सेना भेजी थी, मराठों के विरुद्ध जो है दिल्ली सल्तनत के साथ खड़े हो गए थे। और इनके जो कुमाऊँ के जो ये राजा थे कौन, दीपचंद, इनके जो सेनापति थे उस समय वो कौन थे, हरी राम थे, याद रखना, हो सकता है इसे ही पूछ ले, तो हरी राम, है ना, हरी राम के नेतृत्व में जो है राजा दीपचंद ने जो है अपनी सेना भेजी थी पानीपत के द्वितीय युद्ध में मराठों के विरुद्ध, और दिल्ली के साथ खड़े हुए थे, और 4000 सैनिक लेके जो है हरी राम दिल्ली सॉरी पानीपत के लिए कूच किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 96। हवाला बाग का युद्ध कब हुआ था, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था, हवाला बाग का युद्ध जो है 1790 में हुआ था, और किसके बीच हुआ था, गोरखों और महेंद्र चंद के बीच हुआ था। किसके बीच, गोरखें और महेंद्र चंद के बीच हुआ था, जिसमें महेंद्र चंद की पराजय हुई थी और कुमाऊँ में गोरखा शासन स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 97। किस चंद शासक ने सोमेश्वर महादेव का निर्माण करवाया था। तो सोमेश्वर महादेव का जो निर्माण है या सोमेश्वर देवालय जो है ये कहाँ पे है, अल्मोड़ा में है, पहली बात तो ये आप लोग ध्यान देना ये कहाँ पे है, अल्मोड़ा में है, और इसका जो निर्माण करवाया था ये उद्योत चंद ने करवाया था। उद्योत चंद ऐसे शासक थे, ये थोड़ा सा देवी देवताओं पर और या फिर इस पर धर्म पर ज़्यादा वो रखते थे, विश्वास रखते थे। इन्होंने क्या किया था कि 1673 में इन्होंने जो कैलाश मानसरोवर के लिए जो यात्री तीर्थ यात्री जाते थे उनको गूंट भूमि दान दी थी, है ना, क्या दी थी, गूंट भूमि दान दी थी। गूंट भूमि क्या होता है,
जो भूमि जो है पुजारियों के लिए जो है सुरक्षित रहती है, उनको गूंट भूमि कहते हैं। और ये कैलाश मानसरोवर के यात्रियों को जो उद्योगचंद ने क्या दी थी 1673 में दान दी थी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98। समस्त जातियों की एक सेना बनाने वाला चंद्रवंश का प्रथम शासक कौन था? तो समस्त जातियों की एक सेना बनाने वाले जो चंद्रवंश के शासक थे वो थे भारतीचंद। इसका सी आंसर सही है। इन्होंने जो है जो डोटी राजा थे, है ना, कौन थे? डोटी राज थे। डोटी राज पर जो है, डोटी राज जो है नेपाल से थे, इन पर जो है 12 वर्ष तक नेपाल में क्या करके रखा, इन्होंने डोटी राज पर जो है 12 वर्ष तक वहाँ पे डेरा डाल के रखा था, है ना, और लास्ट में मल राजा से पराजित हुए थे, है ना, नेपाल के मल राजा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। रुद्रचंद कब शासक बना? तो रुद्रचंद शासक जो है 1568 में बना था। इनका कार्यकाल 1568 से 1597 तक था, है ना। और इन्होंने जो है जो मुगल है, मुगलों की अधीनता कब स्वीकार की थी? तो 1587 में जो है इन्होंने क्या किया था, मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, है ना, और अकबर से 1588 में मिले थे ये लाहौर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है। अल्मोड़ा में संस्कृत शिक्षा की शुरुआत करने वाला चंद वंश का शासक था, तो ये भी कौन थे? रुद्रचंद ही थे भाई, है ना, तो बहुत फेमस थे ये रुद्रचंद। तो ध्यान रखना, रुद्रचंद से काफ़ी क्वेश्चन आ गए आपके पास, है ना। तो रुद्रचंद ने जो है तिब्बतियात कस्तूरी और हिरणों की जो खालें हैं वो अकबर को भेंट की थी, जिस चक्कर से जो है अकबर ने इसे क्या नाम पदवी दी थी, जमींदार की पदवी दी थी, है ना, जमींदार कहा था। तो ये जमींदार रुद्रचंद को ही कहा था अकबर ने, है ना, कब कहा था? तो 1588 में, है ना, और 1587 में इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। तो आज के लिए इतना ही।